डांग द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ गुजरात। वैसे तो आहवा डांग सापुतारा हिल स्टेशन के लिए फेमस है, लेकिन डांग में और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह है, और उसी खूबसूरत जगह में से एक है डॉन। डॉन हिल स्टेशन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डांग एंड जस्ट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सापुतारा। दिस हिडन ब्यूटी इज जस्ट लाइक हेवन। So let us walk together and see how beautiful our Gujarat is. वाइल्ड एरिया चेक पोस्ट। वैसे तो डॉन हिल वडोदरा से 300 किलोमीटर है, बट हम लोगों ने एक बार जो राइड स्टार्ट की तो कब डॉन हिल पहुँच गए कुछ पता ही नहीं चला। और वहाँ जाने के बाद डॉन हिल की खूबसूरती में हम लोग ऐसे खो गए कि दो दिन कहाँ निकल गए उसका भी कुछ पता नहीं चला। बाउल 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 वाइब्रेशन बहुत है इसमें। चिकन खाएंगे चिकन। फाइनली हम लोग डॉन हिल तक पहुंचे अभी।
और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन व्यू है, और कम से कम 30 से 35 किलोमीटर्स तक का पूरा घाट है। उसके बाद में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। नीचे जब हम लोग थे तो बहुत ही ज़्यादा धूप थी वहाँ पे, बट ऊपर आने के बाद अचानक से एटमोसफियर पूरा चेंज हो गया। अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग जब हमारे सारे टेंट वगैरह लग चुके थे, हमारा कैंप साइट पूरी तरीके से रेडी था, अब हम लोगों ने ट्रैकिंग करते हुए डॉन हिल के मेन पॉइंट पे जाने का डिसाइड किया। तब बादल हमारा इंतज़ार करते हुए उस पॉइंट पे खड़े थे और पूरा क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो चुका था। हम लोगों ने थोड़ी देर उधर वेट किया और जब बादल वहाँ से हटे उसके बाद में हम लोगों ने जो व्यू देखा उसको देख के हम लोगों को एहसास हुआ कि एक्चुअल ब्यूटी क्या होती। ये जो आपको दिख रहा है बर्ड शाहमरुख है, ये यहाँ का डॉन हिल का मेन सिंबल है। ये सबसे टॉप व्यू है और यहाँ से पूरे डॉन हिल का सबसे बेहतरीन व्यू मिलता है। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो जो हमें पसंद है कौन है कैसा है क्यों पूछते हो? अगर हम बे लोग यहां सुवे जे नहीं पूरे फैमिली है ना, मतलब भाई चार बच्चे और दो आदमी हैं। अरे कर करना कुछ है क्या? कुछ है भी है सब रात को गए रात को। इस बार जो हम लोगों ने कैंपिंग किया है ये मेरी लाइफ का कैंपिंग का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। इतना मज़ा आया कैंपिंग में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड अभी सुबह सुबह हम लोग 5 बजे यहाँ पे यहाँ का जो सबसे टॉप पॉइंट है वहाँ पे उठ के आए हैं और यहाँ का व्यू इट्स लाइक ब्यूटीफुल। अभी फॉग की वजह से उतना दिख नहीं रहा है, फिर भी हम लोग वेट करेंगे इधर फॉग कम होने का, उसके बाद में मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ।
इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग यार। वडोदरा से जस्ट 300 किलोमीटर्स पे ये लाइक जन्नत जैसा माहौल है यहाँ पे। और ये हमारा पूरा ग्रुप। हेलो गाइस, हेलो। अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है हमारा, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पे भी कैंपिंग करते हो तो प्लीज कचरा ना फैलाएं। जो भी गिरा हुआ कचरा है उसको प्लीज उठा के बीन बैग में डाल दीजिए और अपने साथ में कैरी कीजिए। जहां भी आपको डस्टबिन दिखे वहां डाल देना है। ये है हमारी 8 गाड़ियां जो हम लोग लेके आए थे। इसमें 3 हिमालयन है, 2 आरी क्लासिक 350 है, 1 मेरा पल्सर 150, 1 यामा एफजी एंड एक एम्प्टी। बहुत ही मजेदार राइड थी ये। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर कवर किया है यहाँ से। बड़ौदा जस्ट अभी 50 किलोमीटर के अराउंड है, और पूरे के पूरे 250 किलोमीटर में इतना हैवी रेन था और हैवी ट्रैफिक था कि वाट लग गए हम लोगों की जब। अभी हम लोग यहाँ पे छोटे से टी ब्रेक के लिए रुके हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी न्यू व्यूअर्स है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।